दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को सबसे खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, केप टाउन के मैदान पर मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी के आगे अफ्रीका की पूरी टीम ने घुटने टेक दिए। अफ्रीका के एक भी बल्लेबाज को इन दोनों गेंदबाजों ने मैदान पर टिकने नहीं दिया, तो आखिरकार कैसे पहले टेस्ट मैच में मिली हार का भारतीय गेंदबाजों ने अपनी खौफनाक गेंदबाजी से लिया बदला, कैसे बुमराह और सिराज ने रचा इतिहास, कैसे सिराज ने पलट दिया दूसरे टेस्ट मैच का पूरा रुख, कैसे अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर के रणनीति पर भारतीय गेंदबाजों ने फेरा पानी दोनों टीमों के बीच की, दूसरे टेस्ट मैच के पहले सेशन की शानदार हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज में कौन है सबसे खतरनाक गेंदबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पहला टेस्ट मुकाबला गंवाने के बाद दूसरा टेस्ट मैच खेलने दोनों टीम में केप टाउन के मैदान पर आमने सामने उतरी दोनों टीमों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले हैं। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर एडन मार्करम के साथ डीन एल्गर उतरे। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, देखकर यही लग रहा था कि अफ्रीका टीम इस मैच में भी हावी होने वाली है, लेकिन भारतीय गेंदबाज भी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। जसप्रीत बुमराह अपनी गेंदबाजी से दबाव बनाकर अफ्रीका के ऊपर रखे हुए थे, तो वहीं मोहम्मद सिराज ने पहले एडन मार्करम को चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर स्लिप में यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और भारतीय टीम को पहला झटका दिला दिया। भारतीय खेमा पूरी तरह से झूम उठा, मैदान पर खिलाड़ी भी खूब जश्न मना रहे थे, लेकिन मोहम्मद सिराज कहां रुकने वाले थे। उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए छठवें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए डीन एल्गर क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को शुरुआत में 2 विकेट मिल गए, अफ्रीका को 8 रनों के स्कोर पर 2 बड़े झटके लग गए। भारतीय टीम पूरी तरह से अफ्रीका पर हावी हो गई। मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी देखकर अफ्रीका टीम के भी पसीने छूटने शुरू हो गए, यहां तक कि ड्रेसिंग रूम में बैठे अफ्रीकी खिलाड़ी भी हैरान थे। मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी देखकर दूसरे टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज अलग अंदाज में नजर आ रहे थे, उनकी गेंद अफ्रीकी बल्लेबाज बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे। अब साउथ अफ्रीका की टीम की पारी को संभालने के लिए मैदान पर टोनी डी और ट्रिस्टन स्टब्स आ गए। ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज भारतीय गेंदबाज अलग फॉर्म में मैदान पर उतरे हुए थे। वो अफ्रीकी गेंदबाजों को टिकने नहीं दे रहे थे। टीम के लिए नौवां ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी जादू और कातिलाना गेंदबाजी से तीसरे गेंद पर ही ट्रिस्टन स्टब्स को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को तीसरे विकेट मिल गया। वहीं अफ्रीका की टीम लुढ़कती हुई नजर आने लगी। अफ्रीका के 3 बल्लेबाज केवल 11 रनों के स्कोर पर पवेलियन जा चुके थे। भारतीय टीम पूरी तरह से इस मैच में पकड़ बना चुकी थी। अब टोनी डी का साथ देने के लिए मैदान पर डेविड बेडिंगहम आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी, लेकिन टीम के लिए 10वां ओवर फेंकने आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दूसरी ही गेंद पर इस बार टोनी डी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अफ्रीका की टीम पत्तों की तरह झड़ रही थी। 15 रनों के स्कोर पर 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी देखकर अफ्रीका टीम के सभी खिलाड़ियों के रोंगटे खड़े हो गए थे। सिराज ने अब तक कुल 3 विकेट अपने नाम किए थे, किसी भी बल्लेबाज को मैदान पर टिकने का मौका नहीं दे रहे थे। अब डेविड बेडिंगहम का साथ देने के लिए मैदान पर काइली वेरियनी आ गए, लेकिन अफ्रीका टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। कप्तान एल्गर का पहले बैटिंग करने का डिसीजन पूरी तरह से गलत रहा। अभी तक अफ्रीका को कोई भी बल्लेबाज 5 रन तक नहीं बना सका था। सिराज की कातिलाना गेंदबाजी के आगे अफ्रीका के सभी बल्लेबाज घुटने टेक गए। अफ्रीका की टीम 10 ओवर में केवल 15 रन बना सकी थी और 4 बल्लेबाजों को खो दिया था। भारतीय गेंदबाज इस मैच में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। शुरुआती ओवरों से ही अफ्रीका टीम की कमर तोड़ने पर लगे हुए थे। बुमराह और सिराज की गेंदबाजी देखकर तो रोहित शर्मा और विराट कोहली भी हैरान थे। इन दोनों गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर अपना अफ्रीका की धरती पर तहलका मचा दिया। मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी अफ्रीकी बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। सभी खिलाड़ी बाल बाल बच रहे थे, वो बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा इन दोनों गेंदबाजों की गेंदबाजी देखकर बेहद खुश नजर आ रहे थे। अफ्रीका के बल्लेबाज मैदान पर संघर्ष कर रहे थे, उनके बल्ले से रन निकालना तो बहुत मुश्किल हो रहा था। भारत के लिए लगातार मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे, अफ्रीका के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। मोहम्मद सिराज लगातार अपनी खतरनाक गेंद से अफ्रीका के बल्लेबाजों को हैरान कर रहे थे। मैदान पर डेविड बेडिंगहम 10 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं काइली वेरियनी केवल 4 रन बनाकर मैदान पर संघर्ष कर रहे थे। लेकिन अफ्रीका के कोई भी बल्लेबाज मैदान पर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी के आगे टिक नहीं सके। सबसे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान? अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वनडे विश्व कप में भारतीय टीम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के साथ एक बार फिर से वर्ल्ड कप जीतने में असमर्थ रही है, लेकिन वनडे विश्व कप की हार के तुरंत बाद भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में लगभग 6 महीने का वक्त बचा हुआ है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप इस बार वेस्ट इंडीज और अमेरिका की धरती पर 4 जून से 30 जून तक खेला जाएगा।
और ऐसे में इस वर्ल्ड कप की तैयारी में भारतीय टीम लग चुकी है। लेकिन इसी बीच बीसीसीआई ने बड़ा ऐलान करते हुए महेंद्र सिंह धोनी को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा है। ऐसे में इंटरव्यू के दौरान महेंद्र सिंह धोनी से वार्तालाप करते हुए उनकी पसंदीदा टी20 वर्ल्ड कप की टीम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान करते हुए नए टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान कर दिया। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी ने पारी की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले टीम के अंदर कप्तान रोहित शर्मा को शामिल किया जो इस वर्ल्ड कप के सबसे बेहतरीन और खतरनाक कप्तान रहे हैं। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा का ये टी20 वर्ल्ड कप आखिरी हो सकता है। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा अपनी तूफानी पारी के साथ कप्तानी पारी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने उनके जोड़ीदार के रूप में यशस्वी जायसवाल को शामिल किया है जो तूफानी बल्लेबाजी करते हुए लगातार दिखाई दिए हैं। ऐसे में यशस्वी जायसवाल के शामिल हो जाने से भारतीय टीम की सलामी जोड़ी काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। ऐसे में लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी ने इन दोनों खिलाड़ियों को मौका दिया है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली को शामिल किया है जो भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। ऐसे में अब उनको भी शामिल किया गया है। विराट कोहली ने पूरे वर्ल्ड कप में बेहतर प्रदर्शन किया है, ऐसे में उनका टीम से बाहर का रास्ता दिखाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके चलते अब उनको एक बार फिर से टीम में शामिल किया गया है और शायद ही उनका लास्ट टी20 वर्ल्ड कप भी हो सकता है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने चार नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव को शामिल किया है जो टी20 के नंबर वन बल्लेबाज हैं और फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम के कप्तान भी हैं। ऐसे में इनको बेहतर बल्लेबाजी के लिए टीम में शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी ने पांच नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह को शामिल किया है जो भारतीय टीम के लिए नए फिनिशर बल्लेबाज के रूप में दिखाई दिए हैं और महेंद्र सिंह धोनी की तरह काबिलियत रखते हैं। ऐसे में इनको भी टीम में गेम चेंजर खिलाड़ी के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी ने शामिल किया है जो भारत के लिए एक्स फैक्टर साबित होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने छह नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या को शामिल किया है जो वनडे वर्ल्ड कप के बीच में टीम को छोड़कर चले गए थे, लेकिन टीम के उपकप्तान होने के कारण उन्हें टीम में जगह मिलना चाहिए। हालांकि उनको सीधे आईपीएल में खेलने का मौका मिलेगा। ऐसे में वर्ल्ड कप के अंदर हार्दिक पांड्या को बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ साथ कप्तानी की जिम्मेदारी के साथ मैदान पर उतरना पड़ेगा। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने सात नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा को शामिल किया है जो भारत के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, जो अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी से भी सभी को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने स्पिन गेंदबाज के तौर पर यजुवेंद्र चहल को शामिल किया है जो भारत के सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी करते हुए विरोधी टीम को परेशान करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में अब उनकी एंट्री लंबे समय के बाद टीम में हो सकती है। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने दूसरे स्पिन गेंदबाज के तौर पर कुलदीप यादव को शामिल किया है जिन्होंने वर्ल्ड कप में बेहतरीन गेंदबाजी की है। तो वहीं पे उन्होंने तेज गेंदबाज के रूप में सबसे पहले जसप्रीत बुमराह को शामिल किया है जो भारत के सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं और वर्ल्ड कप में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए आए हैं। और इसके अलावा दूसरे तेज गेंदबाज के रूप में मोहम्मद शमी को शामिल किया गया जिनका टी20 में लगातार बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने अंतिम गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद शमी को शामिल किया है जो वनडे वर्ल्ड कप में भारत के लिए वरदान की तरह साबित हुए थे, यानी कि बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। ऐसे में एक बार फिर से इनको बेहतरीन गेंदबाजी के लिए शामिल किया गया है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने बाकी के चार खिलाड़ियों के तौर पर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन, ऑलराउंडर अक्षर पटेल, स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई और तेज गेंदबाज के रूप में अर्शदीप सिंह को वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए फिलहाल की स्थिति में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है? अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।